कोरोना महामारी से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। सभी व्यापार बंद है। ऐसे ही भोपाल के साउंड डीजे व्यापारियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी की पीड़ा को लेकर डीजे एसोसिएशन के पदाधिकारी गृह मंत्री के बंगले पर ज्ञापन देने पहुंचे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 2/6/2020 को मैं माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से मिला और मैंने हमारी डीजे यूनियन की तरफ से उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें मैंने उन्हें अवगत कराया कि माननीय गृह मंत्री जी, हम पिछले 2 महीनों से हाथ पर हाथ रख कर घर पर बैठे हैं और हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली 2 महीनों में जितने भी मुहूर्त थे वो सारी खाली चले गए हैं और हमें आगे जो है भी अभी मुहूर्त या शादी विवाह होते नज़र नहीं आ रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे, सर हमें अभी अपनी दुकानों का, अपने वर्करों का किराया, गोडाउनों का किराया और बिजली के बिल का भुगतान, ये हमारे पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। हम ये मांग करते हैं कि हमें शासन के द्वारा कुछ अनुदान प्राप्त दिलवाया जाए या बैंकों से ऋण दिलवाया जाए, जिससे हम अपने आगे की स्थिति सुधार सकें और अपने परिवार और का जीवन भरण पोषण कर सकें। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? अभी माननीय गृह मंत्री जी ने ज्ञापन लेकर आश्वासन नहीं, कुछ कहा नहीं है, कुछ हमें अवगत नहीं कराया है और आगे भी हम उनसे मिलने की और अपनी बात रखने की चेष्टा रखते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार, भोपाल डीजे यूनियन का अध्यक्ष। मेरे साथ विश्वकर्मा जी, भोपाल डीजे यूनियन के उपाध्यक्ष, और हमारे सर सभी भोपाल वासियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी व्यापारी, डीजे या साउंड वाले निराश ना हों। हम अपने बिजनेस को फिर वापस मार्केट में लाएंगे, फिर अपने बाउंस बैक करेंगे और सारी गतिविधियाँ फिर चालू होंगी। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।